welcome back to my youtube channel study time with priyanka so today in this video we are again going to continue our fifth chapter of class 11 history book and the name of the chapter is nomadic empire

चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करना है एंड द नेम ऑफ द थर्ड टॉपिक इज द करियर ऑफ चंगेज खान सो जैसे कि टॉपिक के नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है इस टॉपिक में हम लोग चंगेज खान के करियर के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी कि चंगेज खान के लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे चंगेज खान के जीवन को देखेंगे सो सो चैप्टर के 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 स्टार्टिंग से ही हम हम लोग मंगोल मंगोल पीपल एंड बारे में में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति करियर को देखेंगे जिस व्यक्ति ने मोगोल पीपल को यूनाइट किया था एंड इतना वास्ट जो एम्पायर है मोंगोल एम्पायर इसको फॉर्म किया था यानी कि इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग चंगेज खान के बारे में पढ़ने वाले हैं सो इस टॉपिक में चंगेज खान के में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखा है जैसे कि चंगेज खान का डेट ऑफ बर्थ क्या था इतना वास्ट एम्पायर को फॉर्म करने का उसका स्टार्टिंग वो कैसे करते हैं कैसे धीरे धीरे करके चंगेज खान एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करते हैं सो ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं सो टॉपिक की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें चंगेज खान के डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता रखा है सो so, चंगेज खान वाज बोर्न सम टाइम अराउंड 1162 सो so, 1162 के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान का जन्म होता है चंगेज खान बॉर्न होते यानी कि चंगेज खान जन्म लेते हैं कहाँ पे लेते हैं नियर द ओनर रिवर इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया सो ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि चंगेज खान मंगोलिया में रहते थे सो मंगोलिया के अगर आप नॉर्थन साइड में देखेंगे देन आपको ओनन रिवर देखने को मिलेगा सो ये चीज हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था जब हम लोग मंगोलिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ रहे थे सो मंगोलिया के नॉर्थन साइड में बेसिकली आपको ओनन रिवर देखने को मिलेगा सो इस रिवर के सामने ही इस रिवर के किनारे ही इलेवन के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान का जन्म होता है सो चंगेज खान ये जो नाम है ये चंगेज खान का ओरिजिनल नेम नहीं है बल्कि ये जो नाम है ये चंगेज़ ख़ान को बहुत बाद में दिया गया सो so, चंगेज खान का जो ओरिजिनल नेम था जो उनके जन्म के टाइम में उनको दिया गया था वो था तैमुजीन सो so, तैमोजीन उनका ओरिजिनल नेम था फिर हमें चंगेज़ खान के फादर के बारे में बता रखा है सो so, चंगेज़ खान के फादर का नाम था यसुगाई एंड वो किया ट्राइब के एक चीफटेन थे सो so, सबसे पहले चीफटेन का मतलब समझते हैं सो so, किसी भी ट्राइब के लीडर को मुखिया को चीफटेन कहा जाता है सो so, चंगेज़ ख़ान के जो पिता थे यसुगा वो कियाए ट्राइब के चिफ्टन थे सो so, ये जो किया ट्राइब था ये एक ग्रुप ऑफ़ फैमिलीज़ था हमें पता है ट्राइब क्या होता है ग्रुप ऑफ़ फैमिलीज को ही ट्राइब कहते हैं सो so, ये जो किया ट्राइब था ये जो ग्रुप ऑफ़ फैमिलीज था ये बॉर्जगिट क्लैन से रिलेटेड थे सो so, इससे हमें और दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलता है अबाउट चंगेज़ ख़ान कि चंगेज़ ख़ान का ट्राइब का नाम था क्याए ट्राइब चंगेज खान के क्लैन का नाम था बोर्जगिट क्लैन फिर हमें बता रखा है कि जब चंगेज खान अपने अर्ली एज में थे यानी कि जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे सो उसी टाइम के दौरान उनके जो पिता थे यसु गाय उनकी हत्या हो जाती है उनका मर्डर हो जाता है सो किसी दूसरे ट्राइब के लोगों ने चंगेज खान के पिता को मार दिया था सो बहुत ही अर्ली एज में ही चंगेज खान के पिता की मृत्यु हो जाती है एंड अपने फादर के मृत्यु के बाद जब उनके पिता की डेथ हो जाती है उसके बाद चंगेज खान की जो माँ थी जो मदर थी जिनका नाम था ओयलुनिक सो

इन ग्रेट हार्डशिप यानी कि बहुत ही बहुत ही कष्टनाक कंडीशन में बहुत ही कठिनाइयों के साथ ये इन सबको पालती है फिर हमें बता रखा है कि चंगेज खान का जो एक शुरुआत का टाइम पीरियड था यानी कि शुरुआत के जो दस साल थे डिकेट यानी कि टेन ईयर का टाइम पीरियड सो चंगेज़ खान के लाइफ का जो स्टार्टिंग के दस साल का टाइम पीरियड था यानी कि करीब इलेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीज़ से लेकर इलेवन हंड्रेड एंड सेवेंटीज़ के टाइम पीरियड के दौरान वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में चंगेज़ ख़ान को बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े एंड वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसके दौरान जिस टाइम पीरियड के दौरान चंगेज़ ख़ान का जो लाइफ था वो एकदम चेंज हो गया सो चंगेज़ ख़ान को बहुत ज़्यादा कठिनाई फ़ेस करनी पड़ी सो so, सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि उनके जो फादर थे उनकी मृत्यु ज़्यादा जल्दी हो गई थी जब चंगेज खान बहुत ज्यादा छोटे थे इसके अलावा जब चंगेज खान थोड़े बड़े होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है यानी कि उनको बंदी बना लिया जाता है उनको पकड़ लिया जाता है एंड फिर उन्हें इनस्लेव कर लिया जाता है यानी कि उनको दास बनाया जाता है उनको एक गुलाम बनाया जाता है इसके बाद जब तेमोजेन और थोड़े बड़े होते हैं देन उनका जब शादी होता है सो so उनकी जो वाइफ रहती है जिनका नाम होता है बोटे सो so बोटे को भी फिर किडनैप कर लिया जाता है फिर उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है चंगेज़ खान का टू तो फाइट टू रिकवर हर अपने वाइफ अपनी पत्नी को रिकवर करने के लिए बचाने के लिए वापस लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं फिर से स्ट्रगल उनके लाइफ में स्टार्ट हो जाता है सो तो ये जो दस साल का टाइम पीरियड था इस दस साल के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज़ खान को तैमोजिन को बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ी बट इसी टाइम पीरियड के दौरान ये जो ईयर ऑफ हार्डशिप था यानी कि दस साल के टाइम पीरियड को ईयर ऑफ हार्डशिप कहा गया है यानी कि बहुत ही कठिनाइयों वाला साल सो so इस दस साल के टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स भी बनाए थे कुछ इम्पोर्टेंट दोस्त भी बनाए थे जैसे कि यंग बोगोरछू सो so चंगेज खान का जो पहला दोस्त था एलाई का मतलब होता है मित्र सो so चंगेज खान का जो पहला मित्र था वो था बोगोरचू एंड वो उनके एक ट्रस्टेड फ्रेंड थे ट्रस्टेड फ्रेंड यानी कि एक ऐसा दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं सो so, तैमु जैन का जो ट्रस्टेड फ्रेंड था वो था बोगोरचू इसके अलावा वो जमुका के साथ भी दोस्ती करते हैं जो कि उन्हीं का एक ब्लड ब्रदर था सो so, नेक्स्ट जो उनके फ्रेंड बनते हैं वो होता है जमुका सो so, इसके अलावा और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि तैमोजेन का स्टेप ब्रदर्स भी था यानी कि सौतेले भाई भी थे दैट मीन्स कि तैमोजेन के जो पिता थे यशु उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की होगी सो इससे हमें पता चलता है कि जो मंगोल पीपल थे वो लोग पॉलीगेमी को परफॉर्म करते थे पॉलीगेमी क्या होता है पॉलीगेमी मतलब बहु विवाह एक से ज़्यादा वाइफ होना या फिर एक से ज़्यादा हस्बैंड होना सो मंगोल सोसाइटी में हमें पॉलीगेमी देखने को मिला है फिर हमें बता रखा है कि इस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि जो दस साल का हार्डशिप वाला ईयर था उस टाइम पीरियड के दौरान तैमुजैन ने एक ओल्ड अलायसेज को री किया था ओल्ड अलायंस यानी कि एक पुराना नाता आप कह सकते हैं या फिर एक पुराना मित्रता था उसको री किया था यानी कि उसको री किया था सो बेसिकली तेमुजैन के जो पिता थे यशु गाय उनके एक ओल्ड ब्लड ब्रदर थे यानी कि उनके एक भाई थे जिनका नाम था तुगरील या फिर ओंग खान सो so, उनके पिता एंड ओंग खान के बीच में जो एक फ्रेंडशिप था उसको तैमुजैन री करते हैं एंड ये जो तुगरील खान या फिर ओंग खान थे ये कैरियट ट्राइब के रूलर थे सो so, इनके साथ ये अपना जो दोस्ती है उसको रीस्टेबलाइज़ करते हैं फिर हमें बता रखा है कि जो नेक्स्ट टेन ईयर का टाइम पीरियड था यानी कि करीब 1180 से लेकर 1190 के टाइम पीरियड के दौरान तैमोजेन ओंग खान के साथ जो उनका एक फ्रेंडशिप था जो एलाय था उसको मेंटेन करके रखते हैं एंड साथ ही तैमुजैन ओंग खान के फ्रेंडशिप का इस्तेमाल करते हैं अपने पावरफुल एडवर्जरीज को हराने के लिए सो so, एडवर्जरीज का मतलब होता है दुश्मन या फिर ओपोनेंट या फिर विरोधी सो so, चंगेज खान के तैमुजैन के जो भी ओपोनेंट थे जो भी विरोधी थे उनको डिफीट करने के लिए उनको हराने के लिए वो ओंग खान के मित्रता को इस्तेमाल करते थे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल का सो जम्मू का जो कि चंगेज़ ख़ान के ही एक ओल्ड फ्रेंड थे अभी हमने पढ़ा था कि चंगेज खान के एक ब्लड ब्रदर थे यानी कि उन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था जम्मू का जिनके साथ उनकी दोस्ती होती है सो so, बाद में ये जो जम्मू का होता है वो चंगेज़ खान का हॉस्टाइल फो यानी कि एक शत्रु बन जाता है एक एनिमी बन जाता है सो so, इसको डिफीट करने के लिए चंगेज़ खान ने ओंग खान की मदद ली थी सो so, जब चंगेज़ खान जब तैमु जमूका को हरा देते हैं उसके बाद उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है यानी कि उनके ऊपर थोड़ा आत्मविश्वास आता है थोड़ा वो कॉन्फिडेंट फील होते हैं कि अगर मैं जमूका को हरा सकता हूँ दैट मीन्स मैं किसी भी ट्राइब को हरा सकता हूँ मैं किसी भी कबीले के लोगों को हरा सकता हूँ सो so यहीं से उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो मिलिट्री कैंपेन है वो स्टार्ट होता है एंड यहीं से फिर उनका एक वास्ट एम्पायर को फॉर्म करने का जो विज़न था जो सपना था उसका शुरुआत करते हैं सो so

ट्वेल्व के टाइम पीरियड में वो ओंग खान को डिफीट कर देते हैं फिर उनका जो फाइनल डिफीट था ऑफ द नाइमान पीपल सो so, नाइमान बेसिकली एक ट्राइब के लोग थे सो so, चंगेज खान नेक्स्ट नाइमान पीपल को डिफीट करते हैं एंड उनका जो फाइनल डिफीट होता है जमुका जो पावरफुल जमुका थे सो so, फर्स्ट टाइम में शायद वो जमुका को पूरी तरह से हरा नहीं पाए थे सो सेकेंड टाइम वो जमुका को डिफीट करते हैं इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स के टाइम पीरियड के दौरान सो so, इन दोनों डिफीट के बाद इन दोनों एक जो नाइमान पीपल थे एंड दूसरा जो पावरफुल जमुका था इन दोनों को फिर से डिफीट करने के बाद टैमोजेन एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी बन जाता है इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपलैंड स्टेपलैंड यानी कि मंगोलिया को कहा गया है सो so, मंगोलिया के पॉलिटिक्स में तैमोजेन अब एक डोमिनेंट डोमैलिटी बन जाता है यानी कि एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन जाता है इसके अलावा तैमोजेन को एक पोजीशन दिया जाता है एंड उस पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चीफ टैन जिसको कुरिलताई कहा जाता है सो so, बेसिकली जितने भी मंगोल ट्राइब थे हर एक ट्राइब के जो चीफ टेन थे जो लीडर थे उनका एक असेंबली होता था उनका एक सभा होता था सो so, उस सभा में तेमुजिन को एक इंपोर्टेंट पोजीशन दिया गया एंड उस असेंबली को क्या कहा जाता था कुरियलताई सो so, उस असेंबली में चंगेज खान को प्रोक्लेम किया गया यानी कि चंगेज खान को डिक्लेयर किया गया एज द द ग्रेट ग्रेट खान Mongols, खान ऑफ मंगोल्स मंगोल्स का एंड उसी के साथ साथ दैमुजैन को कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स भी दिए गए जैसे कि चंगेज खान सो so अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तेमुजैन को चंगेज खान क्यों कहा जाता है सो so चंगेज खान बेसिकली एक टाइटल है जो की तेमुजैन को दिया गया था जब तेमुजैन ने थोड़ा सक्सेस गेन कर लिया था इसके अलावा तेमोजेन को ओशियनिक खान या फिर यूनिवर्सल रूलर भी कहा जाता है सो so और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो खान है ये खान किसी भी रिलीजन को इंडिकेट नहीं करता है बल्कि खान सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल है जो कि उस टाइम के रूलर को दिया जाता था सो आप लोग ये मत समझिएगा कि चंगेज खान जो थे वो एक मुस्लिम थे सो चंगेज खान का रिलीजन कुछ और था एक लोकल रिलीजन था चंगेज खान मुस्लिम नहीं थे खान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल को इंडिकेट करता है फिर बता रखा है जस्ट बिफोर द कुरियल ताई ऑफ सिक्स यानी कि 1206 के टाइम पीरियड के दौरान ये जो मंगोल चीफटेन का असेंबली था जिस असेंबली में चंगेज खान को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया गया एंड उस असेंबली में ही प्रोक्लेम किया गया चंगेज खान को एज द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स सो उसके पहले ही चंगेज़ खान ने जो मंगोल पीपल थे उनको रीऑर्गेनाइज कर लिया था इनटू एन मोर इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स यानी कि मंगोल पीपल को एक बहुत ही इफेक्टिव एक बहुत ही प्रभावी एंड एक बहुत ही डिसिप्लिन एक कंट्रोल मिलिट्री फोर्स में उन्होंने पहले ही मंगोल पीपल को रीऑर्गेनाइज कर लिया था दैट फैसिलिटेड द सक्सेस ऑफ दिस फ्यूचर कैंपेन सो so, किसी भी पावरफुल रूलर के सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है उस रूलर के आर्मी का उस रूलर के मिलिट्री फोर्सेस का सो so, चंगेज खान के सक्सेस के पीछे भी जो सबसे बड़ा हाथ था वो था उसके मिलिट्री फोर्स का सो so, चंगेज खान फ्यूचर में जो भी कैंपेन करेंगे यानी कि फ्यूचर में जो भी वार वगैरह लड़ेंगे सो जब उस वार में उनको सक्सेस मिलेगा सो so, सक्सेस का जो मेन आप कह सकते हैं रीजन था वो था उसका मिलिट्री फोर्स सो चंगेज खान के मिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा करेंगे चंगेज खान को सक्सेस दिलाने के लिए फिर बता रखा है कि जब चंगेज खान के पास कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था इतने सारे ट्राइब को हराने के बाद एंड उनको एम्पायर फॉर्म करने का उस विजन को उन्होंने पूरा करने का सोचा सो जब चंगेज खान थोड़े पावरफुल हो गए जब चंगेज खान के पास एक अच्छी खासी मिलिट्री फोर्स हो गया देन चंगेज खान का जो पहला कंसर्न था वो था टू कॉन्ट चाइना चाइना को जीतना सो so, हमने देखा था जियोग्राफिकल मैप में कि मंगोलिया चाइना एक साथी है बॉर्डर उन दोनों का सेम है सो so, उनका जो पहला कंसर्न था वो था चाइना को कॉन्क्र करना सो so, उस टाइम पीरियड के दौरान चाइना बेसिकली थ्री रेलम्स में डिवाइडेड थे यानी कि तीन राज्य में डिवाइडेड थे सो so, चाइना के अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न प्रोवेंस में देखेंगे देन वहाँ पे शी शिया पीपल रहते थे जिनका जो ओरिजिन था वो था तिब्बतन ओरिजिन चाइना के अगर आप नॉर्थन साइड में देखेंगे देन वहाँ पे चीन डायनेस्टी रूल करता था चूरचीन पीपल वहाँ पे रहते थे फ्रॉम पीकिंग पीकिंग एक शहर है चाइना में नॉर्थन साइड में सो so, वहाँ से लेकर पूरा नॉर्थ एरिया को चीन डायनेस्टी रूल करता था एंड अगर आप चाइना के सदर्न साइड में देखेंगे देन सदर्न साइड में संग डायनेस्टी कंट्रोल करता था संग डायनेस्टी रूल करता था सो so चंगेज खान ने एक एक करके इन सारी डायनेस्टी को हरा दिया सो ट्वेल्व हंड्रेड एंड नाइन के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान शीर्ष या पीपल को डिफीट कर देते हैं यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में रूल करने वाले जो शीश या पीपल थे उनको हरा देते हैं एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रिस्ड इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टीन ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टीन के टाइम पीरियड के दौरान जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चाइना के जो रूलर थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था ताकि जो मंगोल पीपल थे वो चाइना में घुस ना सके सो so, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था जो कि बेसिकली चाइना के नॉर्थन साइड में बनाया गया था ताकि वो चाइना को प्रोटेक्ट कर सके सो so, इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर लेते हैं चंगेज खान ट्वेल्व के टाइम पीरियड के दौरान एंड ट्वेल्व के टाइम पीरियड के दौरान चाइना के नॉर्थन साइड में जो पीकिंग शहर था, उसको सैक्ट सैक्ट यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको लूट लेते हैं लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स अगेंस्ट द चीन कंटिन्यूड अंटिल 1234। सो so ये जो बैटल था ये जो युद्ध था मंगोल पीपल एंड चाइना के पीपल के बीच में ये जो युद्ध था वो करीब 1234 के टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहता है बट खान ज़्यादा थे विद प्रोग्रेस युद्ध लड़ा था सो उस सारे कैंपेन में जो प्रोग्रेस जो सक्सेस मिला उन्हें उन सबसे वो बहुत ज्यादाफाई थे इसीलिए ट्वेल्व के टाइम पीरियड के दौरान वो मंगोलिया अपने होमलैंड में वापस लौट जाते हैं एंड चाइना के जिस जिस क्षेत्र को जिस जिस राज्य को उन्होंने डिफीट किया था जिस जिस क्षेत्र को उन्होंने जीता था उन सारे क्षेत्र में अपने सब ऑर्डिनेट्स को रख देते हैं सब ऑर्डिनेट्स यानी कि चंगेज खान के असिस्टेंट जो सहायक होते हैं उनको रख देते हैं एंड वो मंगोलिया वापस लौट जाते हैं सो टवेल्व के टाइम पीरियड के दौरान काराखिता जो कि एक डायनेस्टी हुआ करता था जो कि चाइना के जो नॉर्थ वेस्ट में आपको आ, टियाशा दिखेगा सो उस एरिया को कंट्रोल करता था, so, के के सो कर so, करने के बाद, बाद मंगोल पीपल का जो डोमिनेंस था जो कंट्रोल था अब वो धीरे धीरे वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है सो so, वो अमुदरिया तक पहुंच जाते हैं स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सियाना सो ट्रांस ऑक्सियाना का जो स्टेट है वहाँ तक पहुँच जाता है मंगोल पीपल का कंट्रोल साथ ही ख्वारिज्म खरिज्म तक भी पहुँच जाता है मंगोल पीपल का कंट्रोल सो so, ख्वारिज्म बेसिकली एक एम्पायर था एंड उस एम्पायर के जो रूलर थे उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद सो सुल्तान मोहम्मद को एक बार चंगेज़ ख़ान के रेज रेज का मतलब होता है क्रोध सो सुल्तान मोहम्मद को चंगेज़ ख़ान के क्रोध का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने मोगोल इन्य को एग्जीक्यूट कर दिया था सो बेसिकली चंगेज़ ख़ान ने अपने कुछ इन्वॉय का मतलब होता है राजदूत सो चंगेज़ ख़ान ने सुल्तान मोहम्मद के कोर्ट में अपने कुछ इन्य अपने कुछ दूत को भेजा था बट सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल इन्य को एग्जीक्यूट कर दिया यानी कि इन सब की हत्या कर दी सो so, इसकी वजह से चंगेज खान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे एंड इसीलिए चंगेज खान ने अपने आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि वो ख्वारिजम एम्पायर के ऊपर अटैक कर दे सो इन द कैंपेन बिटवीन 1219 एंड 1221, एंड so, सो इस टाइम पीरियड के दौरान कैंपेन किया गया यानी कि चंगेज खान के द्वारा युद्ध किया गया सो so, इस युद्ध के दौरान जितने भी ग्रेट सिटीज थे ख्वारिजम एम्पायर के जैसे कि उतरा बुखारा समरकंद बल्क गुरगंज मर्फ, निशापुर एंड हैरत सो so, इन सारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ने मंगोल फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया एंड जो भी टाउन जो भी सिटीज़ रसिस्ट करती थी यानी कि जो भी सिटीज़ अपने आप को बचाने की कोशिश करती थी या फिर मंगोल फोर्स के अगेंस्ट में विरोध करने की कोशिश करती थी उन सारे सिटीज को डिवास्टेटेड कर दिया गया यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया सो so, एक बार हम लोग मैप के हेल्प से भी खरिज्म एम्पायर को समझ लेते हैं सो दिस इज द मैप ऑफ ये पूरा आप जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं लैंड देख रहे हैं इसी लैंड पे ख्वारिजम एम्पायर हुआ करता था सो so, जो कुछ हमने इम्पोर्टेंट सिटीज का नाम अभी डिस्कस किया चैप्टर में उन सारे इम्पोर्टेंट सिटीज को एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं सो so, सबसे जो इम्पोर्टेंट सिटी था वो था निशापुर इसके अलावा यहाँ पे आप बुखारा सिटी को देख सकते हैं, मैरू को देख सकते हैं, समरकान को देख सकते हैं, बल्क एंड हैरत सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थे जिनके बारे में अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था फिर हमें निशापुर के एक इंसिडेंट के बारे में बता रखा है सो बेसिकली निशापुर को जब सीज किया जा रहा था यानी कि निशापुर जो सिटी है ख्वारजम uh, एम्पायर का उसका जब घेराबंदी हो रहा था सो उसी दौरान एक जो मंगोल प्रिंस थे उनकी हत्या हो जाती है सो so इसकी वजह से चंगेज खान और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं एंड चंगेज खान फिर अपने आर्मी को कमांड करते हैं ऑर्डर देते हैं कि ये जो टाउन है ये जो सिटी है निशापुर इस सिटी को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाए इस सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एंड इन एक्सन ऑफ वेंजेंस वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध रिवेंज सो so, अपने प्रतिशोध को लेने के लिए रिवेंज लेने के लिए चंगेज़ खान ने इवन ये तक ऑर्डर दे दिया था कि निशापुर शहर में कोई भी कुत्ता या फिर कोई भी बिल्ली जो है जीवित नहीं रहना चाहिए सो दैट मीन्स कि चंगेज खान ने अपने आर्मी को फुल परमिशन दे दिया था कि वो निशापुर शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करे एंड निशापुर शहर को एकदम उजाड़ के रख दे इसके बाद हमें एक एस्टिमेशन दे रखा है यानी कि जब मंगोल पीपल ख्वार एम्पायर के जो डिफरेंट सिटीज थी उनमें अटैक करते हैं So, उस अटैक के दौरान कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कितने लोगों की मृत्यु होती है लिखा हुआ है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निशापुर शहर में जब अटैक हुआ था कैंपेन हुआ था ट्वेल्व के टाइम पीरियड के दौरान सो so, उस अटैक में करीब वन मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी सो so, अगर आप चाहे तो दूसरे शहरों के बारे में भी पढ़ सकते हैं सो so, इतना सब कुछ पढ़ के हमें चंगेज खान के बारे में यह तो पता लग जाता है कि चंगेज खान एक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति थे so, मंगोल फोर्सेस इन परस ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुस्ट इन टू अजरबैजान डिफीटेड रशियन फोर्स एट द क्राइमिया एंड इन सर्कल द कैसपियन सी यानी कि जो मंगोल फोर्स है जो मंगोल आर्मी है सुल्तान मोहम्मद की तलाश में सो सुल्तान मोहम्मद अपने शहर से अपने एम्पायर से भाग जाते हैं सो मंगोल फोर्स उनकी तलाश में कहाँ तक पहुँच जाते हैं अजरबैजान तक पहुँच जाते हैं अजरबैजान एक नेशन एक कंट्री है सो so, वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड फिर वो रशियन फोर्स को भी डिफीट कर देते हैं एट द क्राइमिया सो क्राइमिया एक पैनशुला कंट्री है सो so, उस कंट्री में जो रशियन फोर्सेस थे उनको भी हरा देते हैं इसी के साथ साथ जो कैस्पियन सी है उसको भी इन सर् यानी कि उसको भी घेर लेते हैं एंड दूसरा जो विंग था यानी कि दूसरा जो ग्रुप ऑफ मंगोल फोर्स था वो सुल्तान मोहम्मद का बेटे का पीछा करते हैं उसको फॉलो करते हैं सो so, सुल्तान मोहम्मद के एक बेटे भी थे जिनका नाम था जलालुद्दीन सो so, जलालुद्दीन भी वहाँ से भाग जाते हैं एंड वो बेसिकली अफगानिस्तान एंड सिंध प्रोविंस के रीजन में भाग जाते हैं सो so, उसको फॉलो करते करते उसको पीछा करते करते जो दूसरा विंग है जो दूसरा मंगोल फोर्स का ग्रुप है वो सिंध प्रोविंस तक पहुंच जाता है फिर बता रखा है कि जो चंगेज खान थे जब वो सिंध प्रोविंस में पहुंच जाते हैं जलालुद्दीन का पीछा करते करते जब वो इंदस रिवर के किनारे पहुंच जाते हैं वो है बेसिकली आप सिंध प्रोविंस से पाकिस्तान की रीजन से अगर आप चाहे तो नॉर्थ इंडिया एंड चाइना को पार करके मंगोलिया पहुंच सकते हैं बट चंगेज खान अपने माइंड चेंज कर लेते हैं अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं सो बेसिकली थ्री रीजन की वजह से वो अपना डिसीजन को चेंज कर लेते हैं so सो है. so, पहला रीजन था बिकॉज ऑफ हीट इंडिया के नॉर्थन पोजीशन में बहुत ज्यादा गर्मी थी इसके लिए दूसरा था नेचुरल हैबिटेट एंड तीसरा था इंपॉर्टेंस रिपोर्टेड बाय सो बाई कौन होते हैं बेसिकली वो वो पंडित होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं जो ज्योतिषी होते हैं सो so, चंगेज खान के एक ज्योतिषी थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि अगर आप इंडिया से होते हुए मंगोलिया जाएंगे देन इसमें कुछ अपशगुन होगा सो so, इसी वजह से चंगेज खान अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं सो विद दिस हमारा ये पैरा कंप्लीट होता है सो so, इस चीज को मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार मैप के हेल्प से भी समझा देती हूँ सो इस एरिया में ख्वारिजम एम्पायर हुआ करता था सो so, जब जलालुद्दीन मंगोल फोर्स से बच रहे थे उससे भाग रहे थे सो so वो बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया की तरफ भागते हैं सो so, ये जो आपको रीजन दिख रहा होगा पाकिस्तान एंड इंडिया के बॉर्डर के पास यही जो रीजन था उसको सिंध प्रोविंस कहा जाता था एंड इसी एरिया में आपको इंदस रिवर भी दिख जाएगा सो जब चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते करते सिंध प्रोवेंस तक पहुंच गए थे देन उन्होंने सोचा कि क्यों ना जब मैं मंगोलिया वापस जाऊंगा देन मैं पुराना जो रास्ता जिस रास्ते के थ्रू वो आया था यहाँ पे उस रास्ते के थ्रू ना जाके क्यों ना मैं इंडिया नॉर्थ इंडिया एंड आशाम के एरिया से होते हुए मंगोलिया जाऊँ सो यह सोचा तो उन्होंने बट फिर उन्होंने अपना जो डिसीजन था उसको चेंज कर लिया फिर हमें बता रखा है कि चंगेज खान की फाइनली डेथ 1227 के टाइम पीरियड में होता है सो चंगेज खान ने अपना ज्यादातर जो लाइफ था ज्यादातर जो जीवन था वो मिलिट्री कैंपेन मिलिट्री कॉम्बैक्ट में ही बिता दिया यानी कि लड़ाई झगड़ों में कैंपेन करने में युद्ध करने में ही बिता दिया सो so, चंगेज़ ख़ान का जो मिलिट्री अचीवमेंट था वो सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था वो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था क्योंकि चंगेज़ ख़ान एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ये एबिलिटी था कि उन्होंने मंगोल पीपल को यूनाइट कर दिया हमने देखा था मंगोल पीपल कौन थे नोमैडिक पीपल थे सो so, घुमकड़ पीपल जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं ऐसे पीपल को यूनाइट करके उन्होंने इतना ज्यादा वास्ट एम्पायर को फॉर्म किया सो so, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चंगेज खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोमैडिक पीपल को एक साथ उनको संगठित करके उनको यूनाइट करके एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री फॉर्म किया एंड उस लार्ज मिलिट्री फोर्स के हेल्प से अपना वास्ट एम्पायर को फॉर्म किया फिर बता रखा है द हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ़ द मंगोल्स एंड द तुर्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी यानी कि मंगोल पीपल पीपल पहले से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे पहले से ही उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी जैसे कि उन्हें हॉर्स राइडिंग आती थी यानी कि घुड़सवारी वो बहुत ही अच्छे से कर लेते थे सो so ये जो हॉर्स राइडिंग का स्किल था ये उनके आर्मी को यानी कि चंगेज़ खान का जो मंगोल पीपल को यूनाइट करके उन्होंने अपना जो आर्मी फॉर्म किया था जो मिलिट्री फोर्स फॉर्म किया था उसके उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये स्किल बहुत ज्यादा अच्छा था सो हॉर्स राइडिंग के अलावा मंगोल पीपल के पास और भी एबिलिटीज थी जैसे कि शूटिंग अर्चर्स फ्रॉम हॉर्स बैक घोड़ों के ऊपर बैठ के वो लोग तीरंदाजी करते थे वो लोग धनुष बांध को चलाते थे सो so, ये जो उनका एबिलिटी था धनुष बान को चलाने का ये और ज़्यादा परफेक्ट हो गया ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपडेशन सो so, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ मंगोल पीपल ऐसे थे जो हंटर गैदरर्स थे हंटिंग करते थे जानवरों का शिकार करते थे सो so, शिकार के दौरान वो लोग बेसिकली तीरंदाजी का ही इस्तेमाल करते थे घोड़ों पर बैठ के वो लोग धनुष और बांध से शिकार करते थे सो शिकार करने के दौरान इनका ये जो एबिलिटी था वो और ज़्यादा इम्प्रूव होते गया और ज़्यादा परफेक्ट होते गया इसके अलावा जो स्टेप कैबलरी थे कैबलरी यानी कि वे सोल्जर जो हॉर्स के बैक पे बैठ के फाइट करते हैं सो so जो मंगोल कैबलरी थे जो कैबलरी पीपल थे वो लोग भी बहुत ही क्विकली मूव कर सकते थे वो लोग भी बहुत ही टैलेंटेड हुआ करते थे सो so इन सारे फीचर्स इन सारे एबिलिटीज एंड इन सारे स्किल्स की वजह से चंगेज़ खान ने मंगोल पीपल को यूनाइट करके जो अपना एक मिलिट्री फॉर्म किया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था द नॉलेज ऑफ द टेरेन

वेदर को कंट्रोल करना भी आ गया था यानी कि वो अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते थे अलग अलग वेदर कंडीशन में सो ठंडों के मौसम में जब विंटर का टाइम होता था सो बहुत ही ठंडी वाले विंटर के टाइम पीरियड में भी वो लोग अपने कैंपेन को करते थे यानी कि वो लोग युद्ध करते थे एंड इसके साथ साथ जब रिवर फ्रोजन हो जाते थे यानी कि जब नदियाँ जम जाती थी जब नदियाँ फ्रीज हो जाती थी सो नदियों को वो लोग हाईवेज़ की तरह इस्तेमाल करते थे रास्तों की तरह इस्तेमाल करते थे अपने एनिमी सिटीज कि अपने दुश्मन के शहरों में जाने के लिए अपने दुश्मनों के के कैंप्स में जाने के लिए, सो so ये सारे जो वहाँ पे रह के उनके पास जो एक एबिलिटी जो स्किल था उन सारे स्किल्स का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने मिलिट्री कैंपेन के लिए फिर हमें बता रखा है कि ये जो नोमेट थे ये जो मंगोल पीपल थे इनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता था फोर्टिफिकेशन के चलते सो so, फोर्टिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किला बंदी जब एक बिल्डिंग या फिर वॉल बनाया जाता है किसी प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं सो फोर्टिफिकेशन की वजह से नोमेड पीपल को थोड़ा बहुत दिक्कत आता था सो so, चंगेज खान ने यह सीख लिया था कि किसी भी फोर्टिफाइड एरिया को कैसे अटैक करना है सो so बेसिकली उन्होंने सीज़ के इम्पोर्टेंस को समझ लिया था सीज़ यानी कि किसी भी एरिया को घेरना सो so चंगेज़ ख़ान जब किसी भी फोर्टिफाइड एरिया को किसी भी फोर्टिफाइड सिटी के ऊपर अटैक करते थे तो so सबसे पहले वो उसको सीज़ कर लेते थे यानी कि चारों तरफ से घेर लेते थे उसके बाद वो बम्बार्टमेंट करते थे यानी कि गोलीबारी करते थे चंगेज़ ख़ान बाहर से ही बम्बार्टमेंट करते थे बाहर से ही गोली मारते थे एंड उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे एंड चंगेज़ खान के जो इंजीनियर्स थे वो भी लाइट पोर्टेबल इक्वाइपमेंट बनाते थे यानी कि बहुत ही हल्के हथियार बनाते थे ताकि वो लोग उसको फेंक कर ही मार सकें सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके अलावा आपको नीचे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिख रहे होंगे सो so अगर आप चाहें तो इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को लर्न कर सकते हैं जो कि आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा देन तो ये डेट्स आपको चैप्टर में भी मिला होगा जैसे कि तमु का जो डेट ऑफ बर्थ था वो था इलेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन के दौरान सो so, सी यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये एकदम परफेक्ट नहीं है इसी टाइम पीरियड के दौरान उनका बर्थ हुआ होगा इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखे हुए हैं जैसे कि इलेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीज एंड सेवेंटीज ये जो दस साल का टाइम पीरियड था इस टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था चंगेज खान को स्लेब बनना पड़ा था चंगेज खान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था एट्टीज एंड 90s के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान ने बेसिकली अपना अलायंस फॉर्मेशन किया था यानी कि अलग अलग ट्राइब के लोगों के साथ दोस्ती की थी एंड 1203 एंड 27 के दौरान उन्होंने एक्सपेंशन किया एंड ट्रम्प यानी कि विजय हुए उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन को कैरी आउट किया इसके अलावा चंगेज खान के डेथ के बारे में बता रखा है जो कि ट्वेल्व के दौरान हुआ इसके अलावा चंगेज खान के कुछ फैमिली मेंबर्स के भी बारे में बता रखा है जैसे कि चंगेज खान के जो एक सन थे जिनका नाम था ओगुदाय एंड ओगुदाई के जो सन थे उनका नाम था गुयक सो so, ये सब कुछ हम लोग आगे के टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे हम चंगेज़ खान के फैमिली ट्री को देखेंगे कि चंगेज़ खान के कितने बेटे थे उनके बेटे के कितने बेटे थे यानी कि चंगेज़ खान के कितने ग्रैंड सन वगैरह थे एंड उन लोगों ने कैसे चंगेज़ खान का जो ये विज़न था मंगोल एम्पायर को दुनिया का सबसे वास्ट एम्पायर बनाने का इस विज़न को कैसे वो कम्प्लीट करते हैं सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं सो so, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर